हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवस्थी क्लासेस। अवस्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अवस्थी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो हम बहुत सारे पीरियडिक टेबल से रिलेटेड टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। सो वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस जिस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि पीरियडिक ट्रेंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें से हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिसको क्लियर करना चाहेंगे। एटॉमिक रेडियस, विच इज़ कॉल्ड परमाणुवीय त्रिज्या, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन बंधुता, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विच इज मीन्स विद्युत ऋणता, एंड मेटालिक करेक्टर ऑफ, इट मीन्स धात्विक गुण, एंड जेड इफेक्ट इज ऑल्सो न्यूक्लियस इफेक्ट, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस प्रभाव। ठीक है, तो इन कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग कुछ क्लियर करना चाहेंगे इस क्लासेस के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना नया फर्स्ट टॉपिक लेते हैं पीरियडिक ट्रेंड से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम्स। सो एटम इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। एटम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है उसे कहते हैं अपन एटम्स, राइट। सो बेसिकली एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पहले ही स्टडी कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एटॉमिक रेडियस होता क्या है। सो एटॉमिक रेडियस को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस बेसिकली एटम्स के और न्यूक्लियस के बीच में, इस एटम की अगर मैं बात करता हूँ, एटम्स के लिए बात करते हैं, तो देखिए एटम्स के लिए अगर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने अगर एक आइडेंटिफाई किया है कि इस तरह से बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हैव ए पॉजिटिवली चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आपके चारों तरफ रोटेट होते हैं। सो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं, तो वी कैन से दैट कि द न्यूक्लियस के जहाँ से अपन न्यूक्लियस होता है वहाँ से, और इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो काउंट होते हैं, ये क्लाउड जो होता है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में वी कैन से दैट द एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम्स, सेंटर ऑफ एन एटम्स टू आउटसाइड ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। सो इजीली वी कैन से दैट द एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम, सेंटर ऑफ एटम का मीन्स जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहाँ से, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो एटम एटॉमिक रेडियस। सो देयर इज थ्री टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो कौन कौन सी होती हैं, कोवलेंट रेडियस, सेकेंड होती है आयोनिक रेडियस, एंड थर्ड वंडरवॉल रेडियस। कोवलेंट वॉल रेडियस को हम कह सकते हैं सहसंयोजक त्रिज्या, आयोनिक रेडियस को कह सकते हैं आयोनिक त्रिज्या, एंड वंडरवॉल रेडियस, इनका मतलब रेडियस का मतलब होता है वंडरवॉल त्रिज्या। तो बेसिकली वॉट इज द कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस का मीनिंग क्या हुआ, अगर किसी भी दो एटम्स के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उस एटम्स की जो रेडियस होती है, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। अब कोवलेंट रेडियस बनती कैसे, कोवलेंट बॉन्ड कैसे, क्या होता है, सो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता इक्वलेंट होती है, तो वो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, शेयर होते हैं, इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करके और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करते हैं। इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर भी सेम है, इसकी पावर भी सेम है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो इन दोनों के बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। और इस एटम की लाइक हम बात कह सकते हैं कि कार्बन एंड कार्बन, अगर ये भी कार्बन एटम है और ये भी कार्बन एटम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट मीन्स विद्युत ऋणता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, जो टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये कार्बन्स और इस कार्बन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दैट्स वाई ये अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रखेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में जो रेडियस होगी, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस, राइट। डिफरेंट बिटवीन कोवलेंट रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। सो आयोनिक रेडियस जिसमें आयोनिक बॉन्ड बनता है, तो बिफोर कि आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, तो आयोनिक बॉन्ड क्या होगा, बेसिकली इट इज मेक बिटवीन टू आयंस, या पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की बात करते हैं, वी कैन हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। इट मीन्स क्लोरीन पे अगर नेगेटिव आयंस है,
और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आयंस है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में अगर इसमें कोई भी आयंस की रेडियस होती है दैट इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। इट मीन्स अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक एटम्स है, उस आयोनिक एटम्स के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। सो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन क्लोरिन का, तो क्लोरिन हैव ए नेगेटिवली चार्ज विच इज लार्जर देन हिज पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा बड़ा होगा। एंड हाइड्रोजन की बात करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में आता है तो ये रेडियस बढ़ जाती है। जबकि हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का वन इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकलता है और पॉजिटिव आयन आता है तो उसकी रेडियस छोटी हो जाती है। सो बेसिकली इजिली समझने के लिए आयनिक रेडियस किसे कहते हैं, बिकॉज ऑफ दो आयन्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयोनिक रेडियस। सो आयोनिक बॉन्ड एंड आयोनिक रेडियस क्या होगा, किसी भी आयन्स के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। ओके, हम कह सकते हैं लाइक सोडियम और सोडियम प्लस आयन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बिकॉज न्यूट्रल एटम जो होता है, न्यूट्रल एटम क्या होता है, सोडियम प्लस सोडियम आयन्स, एंड सोडियम आयन्स जब न्यूक्लियस इसको आयनाइज करेंगे तो वन इलेक्ट्रॉन्स इसमें से क्या होता है, निकल जाता है। वन इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो इस पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा। सो बेसिकली ये जो पेरेंट एटम होता है इससे इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी, यानी पेरेंट एटम की साइज बड़ी होती है और पॉजिटिव आयन्स की साइज क्या हो जाएगी, छोटी, बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है। तो देखिए अब सोडियम प्लस आयन की रेडियस कितनी है, 95 पिकोमीटर्स, और सोडियम आयन्स की कितनी है, 186 पिकोमीटर्स। दैट मीन्स ये आपका आयोनिक एटम हो गया। एंड अनदर आयोनिक एटम की बात करते हैं तो फ्लोरिन नेगेटिव आयन्स, जो नेगेटिव आयन्स बिकॉज अपने पेरेंट्स एटम से थोड़ा सा बड़ा होता है, बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दैट्स वाई इसकी जो आपकी एटॉमिक आयनिक रेडियस है दैट इज 136 पिकोमीटर। वाइल इसकी बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो न्यूट्रल एटम है उसकी एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस क्या होगी, 64। सो थर्ड थिंग्स वंडरवॉल रेडिएशंस, वंडरवॉल रेडिएशंस इन दो, कोई भी दो एटम्स के बीच में जो वीक वंडरवॉल फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं वंडरवॉल रेडियस। तो इट मीन्स अगर दो एटम्स एक दूसरे के बीच में वंडरवॉल फोर्स से अट्रैक्ट हैं तो वंडरवॉल फोर्स के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड वंडरवॉल रेडियस। ओके, सो पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या पीरियोडिक ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियस को लेके। तो बिकॉज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बिकॉज पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन जाने पर क्या क्या मूवमेंट होता है। तो देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर जो कि पीरियड होता है और अप टू डाउन जाने पर जो कि ग्रुप होता है। तो बेसिकली जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो पीरियोडिक टेबल में हमारा पीरियड क्या होता है, सेम होता है। इट मीन्स अगर ये के सेल है, सेल्स के सेल एल एम एंड एन सेल होती है, तो के अगर सेल की बात करते हैं के एल एम एंड एन, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने के लिए के सेल सेम रहती है। तो सेम अगर सेल होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं तो उन पर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो बेसिकली प्रोटॉन्स के इंक्रीज होने पर ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। अब बिकॉज सेल तो वही है, सेम सेल होता है, सेम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, इसमें 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। तो बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज यानी प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स इन पे बढ़ता चला जाता है, दैट्स वाई ये जो एटॉमिक रेडियस है बाहर वाली ये इसकी तरफ छोटी होती चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियडिक टेबल के अंदर तो जो लेफ्ट टू राइट जाने पर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिससे कि उनकी साइज डिक्रीज होती चली जाती है। साइज डिक्रीज क्यों होगी, बिकॉज देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड, कि अगर ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिथियम की बात करते हैं, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अब बिकॉज नंबर ऑफ सेल सेम है, अगर इसमें नंबर ऑफ सेल अगर सपोज दैट के है एल एल है तो इसमें भी एल होगी, इसमें भी एल होगी, इसमें भी एल होगी, और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाते हैं और प्रोटॉन्स उनको अट्रैक्ट करते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, साइज छोटी हो जाती चली जाती है। तो हम इजीली ये समझ सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन्स की साइज
इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने से नंबर ऑफ पीरियड जो होता है वो सेम होता है, जिसकी वजह से साइज क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। तो इजीली क्या क्या रीजन हो सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होने के? फर्स्ट रीजन है हमारा पीरियड का सेम होना। पीरियड का सेम होने का मतलब आवर्त, हिंदी में इसको आवर्त कहते हैं। तो आवर्त सेम होता है, सेम आवर्त की वजह से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का मीनिंग वही हुआ जो अभी मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर कितनी है। जितना इस न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। सो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो दैट्स वाई इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का मीनिंग क्या हुआ? आवेश जो कि न्यूक्लियस के द्वारा लगाया जाता है, तो न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होती है? इंक्रीज। तो पीरियडिक टेबल में अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होती है? इंक्रीज। क्या क्या रीजन है साइज इंक्रीज होने के? फर्स्ट रीजन वही पीरियड क्या होगा? इंक्रीज। अब अप टू डाउन जाने पर पीरियड इंक्रीज हो रहा है, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। इट मीन्स ये सेल की जो सेल्स होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स, ये भी इंक्रीज होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होती है, दैट्स वाई ये इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है? कम होता चला जाता है। बिकॉज इसकी जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में होने वाले जो प्रोटॉन्स हैं उनकी अट्रैक्शन पावर कम होती चली जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर होता चला जाता है। देखिए इस हाइड्रोजन के पास में है इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम से थोड़ा और दूर चला गया, सोडियम में और दूर चला गया, सेम इसी तरह से पोटेशियम से और दूर चला गया। तो अप टू डाउन जाने पर बिकॉज ऑफ आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है, इसके लिए इसका अट्रैक्शन पावर जो होती है इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो होता है वो कम होता चला जाता है। सो क्या क्या रीजन हो सकते हैं अप टू डाउन जाने पर? पीरियड का इंक्रीज होना, सेकेंड थिंग्स इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का डिक्रीज होना, इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज कम होता चला जाता है, एंड थर्ड थिंग्स आउटर मोस्ट सेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने न्यूक्लियस से दूर होते चले जाते हैं, राइट? सो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सो इजीली हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है और अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज ऑल ऑफ रीजंस, राइट? सो बेसिकली आई होप आप लोगों को एटॉमिक रेडियस के बारे में समझ में आया होगा, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगले आने वाले वीडियो के लिए वेट कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।